मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग मोरल साइंस मीन्स नैतिक शिक्षा, जिसको हम धर्म शिक्षा भी कहते हैं, में पाठ 8 श्री राम की पढ़ाई करेंगे। इसमें हम लोग श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, तुम लोगों ने जरूर श्री राम का नाम सुना होगा। वो एक धनुर्धारी थे और उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था, जो कि अयोध्या के राजा थे। चलो बच्चों, आज हम लोग श्री राम के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो थे कौन और उन्होंने क्या क्या किया था। प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए हैं, उनका नाम दशरथ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनसे उनके 4 पुत्र हुए, कौसल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत। बहुत समय, प्राचीन समय मतलब पुराने समय में एक राजा थे, बहुत बड़े राजा, जिनका नाम था दशरथ, राजा दशरथ। तुम लोगों ने नाम जरूर सुना होगा और सीरियल भी टीवी पर आ रहा था अभी कुछ दिन पहले, रामायण, वो भी जरूर देखा होगा। उनकी राजधानी अयोध्या थी और उनकी 3 रानियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों से उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कैसे थे, 3 रानियां और 4 पुत्र? तो कौशल्या को एक पुत्र था जिनका नाम था राम। सुमित्रा को 2 पुत्र थे जिनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी को एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। अपना बुढ़ापा निकट देख राजा ने उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की। छोटी रानी कैकेयी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने राजा से 2 वर मांगे। पहले वर से उसने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो श्री राम जो है वो दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। सबसे बड़ी रानी थी कौसल्या और उनके पुत्र राम सबसे बड़े थे। तो जो बड़ा पुत्र होता है उसे ही युवराज बनाया जाता है जनरली। राजा दशरथ ने भी ऐसा ही सोचा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो चलो युवराज मैं घोषित कर देता हूँ। और युवराज उसको कहते हैं बच्चों, जो बाद में आगे चलकर राजा जब राजगद्दी पर नहीं बैठने लायक रहते हैं तो फिर वो राजा बनता है। तो राम को उन्होंने युवराज बनाने की घोषणा कर दी। ये बात जब छोटी रानी कैकेयी को पता चला तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। रानी कैकेयी एक्चुअल में छोटी नहीं थी, सबसे छोटी थी सुमित्रा, कैकेयी मंझली थी, ठीक है, कौसल्या कैकेयी तब सुमित्रा, तो कौसल्या से छोटी थी कैकेयी, इसीलिए यहाँ ये बात लिखी हुई है कि छोटी रानी कैकेयी को यह अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किए, राजा से 2 बार मांगे। आखिर राजा ने उन्हें 2 बार क्यों दिए, क्योंकि राजा ने एक बार उन्हें वचन दिया था कि वो जब भी चाहें उनसे 2 बार मांग सकती हैं। एक बार उन्होंने राजा की जान बचाई थी तो राजा ने उन्हें वचन दिया था, तो उन्होंने वो 2 वर अब मांग लिए। और वर मीन्स वरदान, और उन्होंने उस वरदान में क्या मांगा, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। मतलब उन्होंने मांगा कि राम को आप राजा मत बनाइए, आप भरत को राजा बनाइए। राम के बाद भरत थे और तब लक्ष्मण, तब शत्रुघ्न। तो उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि राम को आप 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए, यानी जंगल में भेज दीजिए रहने के लिए। वनवास मांग लिया राम के लिए। 14 वर्ष वनवास इसलिए मांगा कि उन्हें डर था कि भरत जो है राजगद्दी पर नहीं बैठेगा अगर राम वहां पर रहेंगे तो, इसलिए वो राम को 14 वर्ष का वनवास देना चाहती थी। और उस समय भरत जो है अयोध्या में नहीं थे, वो अपने नाना जी के घर गए हुए थे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि श्री राम की पत्नी थी सीता, और श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन चले गए। उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गया। उस समय लक्ष्मण अयोध्या में ही थे तो श्री राम से बहुत प्यार करते थे सभी भाई।
और श्री राम के साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी जंगल में चले गए रहने। और इधर क्या हुआ कि श्री राम के वियोग में यानी कि जाने के दुख में उनसे बिछड़ने के कारण राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, यानी वो गुजर गए, मर गए। भरत ने श्री राम को वन से ले आने का प्रयत्न किया पर श्री राम नहीं लौटे। वे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही रहे और जब पिता के मरने का समाचार भरत को मिला तो भरत भी वापस आ गए और उन्होंने श्री राम जहाँ रह रहे थे वहाँ पर जाकर उनको वापस लाने का भी प्रयास किया कि वो अयोध्या वापस आ जाएं, कि अब तो पिता रहे नहीं तो उनका वचन क्या है। लेकिन श्री राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बच्चों तुमने पढ़ा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम लोग उनको कहते थे। तो वो जो है पिता की आज्ञा मानने के लिए, भले ही पिता नहीं रहे लेकिन उनकी आज्ञा सर्वोपरि थी, उनके लिए सबसे ऊपर उन्हीं का स्थान था, इसलिए पिता की आज्ञा मानने के लिए वो वन में ही रह गए। वन में राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब देखो, अब राक्षसों के जो राजा थे वो रावण थे, उन्होंने सीता का हरण कर लिया जंगल में। तो श्री राम ने क्या किया कि हनुमान, सुग्रीव और सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से रावण को मार दिया और फिर सीता को लेकर वे लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए और राज्य संभाला। 14 वर्ष तब तक बीत गए थे जब तक वो रावण को मारकर सीता को बचाकर वापस आए, तो 14 वर्ष बीत चुके थे और उसके बाद वो अयोध्या का राज्य संभालने लगे। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। आदर्श राज्य क्यों था बच्चों? श्री राम का राज्य क्योंकि उसमें सारी प्रजा सुखी थी। हनुमान श्री राम का महान सेवक माना जाता है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान माने जाते हैं, सबसे बड़े सेवक हनुमान माने जाते हैं। श्री राम का चरित्र रामायण में है। चरित मीन्स चरित्र, यानी उनके बारे में। तो श्री राम की कहानी, श्री राम के बारे में उनका कैसा था बात व्यवहार, चरित्र कैसा था, सब कुछ रामायण में है। और रामायण की रचना किन्होंने की है? महर्षि वाल्मीकि ने। रचना मीन्स लिखी है, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। पुरुष की सभी सृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और एक मनुष्य को जितनी मर्यादा का पालन करना चाहिए वो सब श्री राम ने किया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, मर्यादा मतलब नियम। ठीक है बच्चों, ये थी कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। चलो अब थोड़ा अभ्यास भी देख लेते हैं। श्री राम के पिता का क्या नाम था? अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा ना, श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई? पुत्र के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम कितने वर्षों के लिए वन में गए? श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में गए। सीता का हरण किसने किया? सीता का हरण रावण ने किया। रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। राम राज्य अच्छा क्यों माना जाता है? राम राज्य अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि राम के राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम लिखो। राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये पाठ। तुम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना ताकि वो लोग भी इस पाठ को अच्छी तरह समझ सकें। और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आगे के पाठों का नोटिफिकेशन तुमको मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।